नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तेजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज की हमारी डिस्कशन धान की पत्ता लपेट सुंडी राइस लीफ फोल्डर इंसेक्ट की मैकेनिकल कंट्रोल करने के बारे में रहेगी। बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई दवाई डाले, इसका आसान, सटीक, कारगर और वैज्ञानिक मैकेनिकल तरीका, जब पौधे छोटे हों, 40-50 दिन तक के हों, बालियाँ ना निकली हुई हो। पत्ता लपेट सुंडी के जो अडल्ट होते हैं, जो इसके माँ बाप होते हैं, वो तितली होती है, वो देखो इस तरह से दिखती है। और ये तितली जो है 2-5 दिन में पत्तों पर अलग अलग जगह पर अंडे देती है, मतलब कि इकट्ठे नहीं देती। और ये अंडे जो हैं 5-8 दिन के अंदर, लगभग 1 हफ्ते के अंदर लार्वा में, सुंडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये सुंडी आस्ता आस्ता बड़ी होती रहती है और ये सुंडी जो है 20-30 दिन तक हमारी धान की फसल पर नुकसान करती रहती है। पत्ता लपेट सुंडी जो होती है ना, पत्ते को गोल करके पत्ते का हरा भाग जो खा लेती है और सफ़ेद सफ़ेद धारियां से दिखती है। अगस्त से अक्टूबर में नुकसान ज़्यादा होता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसमें दवा का प्रयोग तभी करें जब नुकसान 10% तक दिखने लगे, मतलब कि इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है ना वो 10% है। कारण जो है ना कि भाई जब शुरू में अगर अटैक आ जाता है तो छोटे पत्ते जो होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, बाद में छोटे पत्ते जो है ना बड़े हो जाते हैं और इन्फेक्टेड पत्ते जो है नीचे रह जाते हैं, फुटाव हो ही रहा होता है, कवर अप हो जाता है। इसमें देख रहे हो, इसमें एक कीड़ा जिंदा है, अभी चल भी रहा है। पत्ता लपेट सुंडी है, ये खा पी के फीसिस भी करती है। और तो ये नाजुक कीड़ा होता है, ज़्यादा इसकी पकड़ नहीं होती है। हवा बारिश से, तेज़ हवा से अगर पत्ते हिलते हैं तो भी ये कीट नीचे पानी में गिर कर मर जाता है। और नहीं तो आप ना 20-30 फुट लंबा एक रस्सी ले लो और दो व्यक्ति इसको नीचे से ऐसे करते जाएं, आप देख रहे हो, तो इससे भी पत्ता लपेट सुंडी जो है ना काफ़ी हद तक नीचे गिर जाएगी। शर्त यह है कि पानी होना चाहिए खेत में। तो ये एक बहुत सच्चा और सस्ता तरीका है, अच्छा तरीका है। एक और तरीका दिखाता हूँ आपको। इस तरीके में आपने क्या करना है कि एक बांस ले लेना है 10-15 फुट लंबा, उसको जो है दोनों तरफ एक रस्सी से बांध दें और ऐसे एक व्यक्ति भी कंट्रोल कर सकता है, वो ऐसे चलते जाएंगे, पत्ते हिलते जाएंगे, तो उससे जो है ना ये पत्ता लपेट सुंडी नीचे गिर जाएगी। अब नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। शाबाश, चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, ये बांस आप थोड़ी सी भारी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जुगाड़ नहीं है, छोटा डंडा है, तो उससे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। मतलब तो ये है कि फ्री में हमने पत्ता लपेट सुंडी का कंट्रोल करना है, कोई पैसे नहीं लगने, ना 50 रुपये, ना 100 रुपये, ना 10 रुपये। फ्री में आप पत्ता लपेट सुंडी को एक बार ही कंट्रोल कर सकते हैं। 60-70-80% तो इसमें भी कंट्रोल हो जाता है। वैसे भी हम कोई दवाई करते हैं वो भी 70-80% से ज़्यादा नहीं मारती, इतना ही कंट्रोल करती है। लेकिन एक बात है, जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो फ्लैग लीव होता है ना, जो झंडा पत्ता होता है बालियों के पास ऊपर होता है, उसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना बाद में भी बालियों को, दानों को पोषण देता रहता है। वो जो है ना उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उस समय, उस स्टेज पर जब पत्ते बड़े हो जाते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, तो हमें झटपट से इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी उस समय पर हम ना कई इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड स्प्रे कर ही रहे होते हैं, तो फंजीसाइड के साथ ये इंसेक्टिसाइड भी मिला दें तो ये भी कवर अप हो जाता है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के राइस नॉलेज बैंक के लिटरेचर में भी ये कहा गया है कि वेजिटेटिव फेस में जब फसल छोटी हो तो जनरली ये रिकवर कर जाती है नुकसान से, लेकिन जब लीफ फोल्डर जो है ना रिप्रोडक्टिव फेस पर अटैक करता है, नुकसान करता है, तो डैमेज जो है ना वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है। मतलब कि जब बालियां निकली हों और वो जो झंडा पत्ता होता है वो आधा और उसके साथ की जो दो छोटी यंगर जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर अटैक हो तो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मोस्टली ये एक बात और कही है कि अगर हम जल्दी ही इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर लेंगे पत्ता लपेट सुंडी के लिए, तो ये इसका कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं है, बल्कि ये क्या करता है कि दूसरे सेकेंडरी पेस्ट जैसे प्लांट होपर ज़्यादा आता है इससे, तो हमारे को शुरू में दवाइयाँ प्रयोग करने से बचना चाहिए। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिटरेचर की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि एक 20-30 फुट लंबी आप एक रस्सी ले लो और फ्लावरिंग से पहले, मतलब कि बालियाँ निकलने से पहले, मैकेनिकल कंट्रोल या लीफ होल्डर का यही एक सच्चा तरीका है। ये बात एक और है कि भाई पानी जरूर खड़ा होना चाहिए क्रॉप में। अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करते हैं तो केमिकल कंट्रोल के लिए क्या रिकमेंडेशन है, 60 ml कोराजन का स्प्रे कर सकते हो, 20 ml फेम का स्प्रे कर सकते हो, 170 ग्राम मोर्टार जो है ना कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड होता है, 75 SG होता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हो, या फिर हम कोरोबान, डर्मेट या फोर्स 20 या क्लोरपाइरीफॉस होता है जो,
एक लीटर प्रति एकड़, या फिर नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड्स का हम स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों जब जरूरी हो तभी कीटनाशकों का प्रयोग करो, हमारी जमीन वातावरण मेहनत और पैसों का नुकसान ना हो। आपको अगर मेरा आज का प्रयास सार्थक नजर आता हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।